छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल का सियासी माहौल इस समय बड़ा रोचक हो गया है। सुक्खू सरकार के पास 40 विधायकों का प्रचंड बहुमत था और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल था। विधानसभा की 68 सीटों में से बीजेपी के पास केवल 25 सीटें थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद से ही यह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई। अब आलम ये है कि न केवल सीएम बल्कि डिप्टी सीएम की साख दांव पर है। दोनों बड़े नेताओं के समक्ष एक नहीं अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हो गई। सीएम व डिप्टी सीएम को केवल लोकसभा सीट पर ही राजनीतिक चुनौती से नहीं निपटना है, बल्कि सुजानपुर, बड़सर व कुटलेहड़ व गगरेट में विधानसभा उपचुनाव में भी नाक बचानी है। कांग्रेस के बागी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब बीजेपी का प्रयास इन बागियों की जीत सुनिश्चित करना है। अगर कांग्रेस की बात करें तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला हमीरपुर है, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का गृह जिला ऊना है। ये दोनों हमीरपुर संसदीय सीट के तहत आते हैं। सबसे पहले तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को नादौन विधानसभा क्षेत्र से अच्छी खासी लीड दिलाने का जिम्मा होगा। हमीरपुर जिला की सभी सीटों से लोकसभा चुनाव में बढ़त की चुनौती होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिलेगा। सीएम व डिप्टी सीएम के समक्ष चुनौतियों की कमी नहीं है। मौजूदा चुनौतियों की बात की जाए तो प्रत्याशी चयन में कांग्रेस पीछे है। बीजेपी ने न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी का प्रचार अभियान गति पकड़ चुका है। कांग्रेस ने अभी पहला ही कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस को लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने हैं। यहां कांग्रेस पीछे है और भाजपा के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है। राज्यसभा चुनाव में हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये तो अब जग जाहिर है कि कांग्रेस में असंतोष को सीएम समय रहते नहीं भांप पाए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी इंटेलिजेंस फेल्योर को स्वीकार किया है। अब दोनों ही बड़े नेताओं के सामने ये चुनौती है कि इस नुकसान की भरपाई लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में हो जाए।